मैं मनीष यादव। मनीष जी कहाँ से आ गए? मैं बरेली से आ रहा हूँ। बरेली कहाँ पड़ता है? बरेली उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ हमारे अहमदाबाद सेंटर पर आने से पहले आपको क्या प्रॉब्लम था? अरे हमारे तो एक कान में सुनाई नहीं दे रहा था, 3 साल से लगभग प्रॉब्लम थी। बाकी मेरे कानों में दोनों में सनसनाहट की आवाज़ आ रही थी। कितने डॉक्टरों को दिखाए होंगे? मैंने कम से कम अपनी बरेली में जितने ENT बैठते हैं सभी ENT को दिखा दिया। क्या जवाब दिया? उन्होंने तो खाली ऑपरेशन बोला, बोले कि ऑपरेशन आप करा दीजिए, बाकी कोई ट्रीटमेंट नहीं। बाकी नहीं, साफ मना कर दिया, कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। आप यहाँ अहमदाबाद सेंटर पर आए, आपने 3 घंटे का ट्रीटमेंट लिया बिना मशीन बिना ऑपरेशन, उसके बाद आपको कैसा फील? मुझे इस समय रिलैक्स महसूस हो रहा है। मेरा दिमाग में मेरे झंझनाहट बहुत रहती थी, वो झंझनाहट मेरे यहाँ मुझे रिलैक्स मिली 2 घंटे के अंदर। दूसरी बात यह है कि जिस कान से मुझे कम सुनाई दे रहा था उससे भी मुझे सुनाई दे रहा। तो ओवरऑल सर आपको ये हमारा ट्रीटमेंट कैसा लगा? हमें ये ट्रीटमेंट तो इतना अच्छा लग रहा है, हम तो सोच रहे हैं जिसको ये प्रॉब्लम हो बेचारा यही चला है और कहीं डॉक्टरों के चक्कर में ज़्यादा ऑपरेशन के उसके ना पड़े, क्योंकि ये तो एक रामबाण जैसी एक औषधि है जो कि काम कर रही है। आप बोलिए मैडम, आपको कैसा? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, जो मेरे सामने ही रिजल्ट है, मैं कुछ बात कर रही हूँ उस तरीके से, और सभी लोग आए और यहाँ का जो भी लाभ है वो लें। बिल्कुल सही बात है, बेचारे इधर उधर दुखी हुए घूम रहे हैं। ENT डॉक्टर जो है एलोपैथिक लोग में तो मुझे लग रहा है कोई ट्रीटमेंट है नहीं इस चीज़ का। एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, और एलोपैथी में लोग घूमते हैं, पैसा खर्च करते हैं, टाइम खराब, दवाइयों का साइड इफेक्ट भी। वो तो डॉक्टर तो मुझसे तो सिटी स्कैन भी करा दिया, कह दिया जी नसें आपकी बेकार हो गई, यानी क्या क्या बता, नाक की हड्डी बढ़ गई, पता नहीं क्या क्या, कान की हड्डी बदली जाएगी आप, ये बहुत सारे क्रू, हर डॉक्टर को एक नया क्रू, जिस जितने को दिखाया उन्होंने नए क्रू दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के मुझे रिलैक्स महसूस।